तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के 90% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अब तालिबान ने ये नया कदम उठाया है। तालिबान के इस कदम से साफ है कि तालिबान के मंसूबे बहुत कुछ बिगाड़ने के हैं। दरअसल तालिबानी प्रतिनिधिमंडल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में चीन पहुंचा है। अमेरिकी सेनाओं की वापसी के ऐलान के बाद ऐसा पहली बार है जब तालिबानी नेता चीन पहुंचे हैं। इस दौरान तालिबानी नेताओं की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई। चीन और तालिबान के बीच हुई अफगानिस्तान को लेकर ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। पहले तालिबान ने चीन को दोस्त बताकर उसे अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। तालिबान ने यह भी कहा था कि वो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में चीन के निवेश पर जल्द से जल्द बातचीत करना चाहता है। इस दौरान तालिबान ने चीन से ये कहते हुए मदद मांगी है वो अफगान धरती का इस्तेमाल किसी देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं होने देगा। इस दौरान तालिबान का प्रतिनिधित्व मुल्ला बरादर ने किया। आपको याद दिला दें कि इस दौरे से कुछ दिन ही पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज़ हामिद ने भी चीन जाकर वांग यी से मुलाकात की थी। चीन ने तालिबान से दोस्ती के लिए रखी बड़ी शर्त। इस लिहाज से भी तालिबान नेताओं के साथ चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। दोनों पक्षों के बीच चीन के तियानजिन शहर में मुलाकात हुई। चीन ने तालिबान नेताओं से साफ कहा है कि वे आतंकी संगठनों से अपने संबंध को पूरी तरह से खत्म करें। इसमें अलकायदा समर्थित उइगर मुस्लिम अतिवादी संगठन ETIM भी शामिल है जो शिनजियांग प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। चीन का डर। तालिबान ने चीन के शिनजियांग प्रांत से सटे देश के आधे से ज़्यादा सीमाई इलाके पर कब्जा कर लिया है। चीन को डर सता रहा है कि आतंकी संगठन उसके शिनजियांग प्रांत में घुसपैठ कर सकते हैं। वांग यी ने पिछले दिनों दुशांबे में कहा था कि गृह युद्ध से बचा जाना चाहिए और बातचीत को फिर से शुरू करना चाहिए। वांग यी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की भी जमकर प्रशंसा की थी। कहा था कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए काफ़ी काम किया है। हालांकि तालिबान के दोस्त पाकिस्तानी विदेश मंत्री की चीन यात्रा के दौरान ड्रैगन और मुल्ला बरादर की मुलाकात का क्या परिणाम निकलता है ये देखना अहम होगा। बता दें कि अफगानिस्तान में तांबा, कोयला, लोहा, गैस, कोबाल्ट, पारा, सोना, लिथियम और थोरियम के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। इनकी कुल कीमत करीब $1 ट्रिलियन आंकी जाती है। चीन की कंपनी को साल 2011 में 3 तेल क्षेत्र के लिए $40 करोड़ का ठेका मिला था। चीन को लोगार प्रांत में तांबे के उत्खनन का भी अधिकार मिला था। ये काबुल से मात्र 40 किलोमीटर दूर है।